हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल वर्क ऑनलाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास नहीं है या आपके बच्चों का अभी तक नहीं बना, तो आप कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके लिए इस वेबसाइट पर आ जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम डालेंगे। अब पूरा नाम डालने के बाद अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, तो हम ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पे नीचे में फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे में पासवर्ड, पासवर्ड नीचे देख लीजिए कैसे रखो, सारा मिक्स रखना है, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर नंबर वो सब मिला। अब नंबर रखने के बाद अब यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कीजिएगा, तो हम यहाँ से चूज़ कर ले रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ पे चुन लिए। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो हम डालेंगे यहाँ पे नीचे में, तो हम डाल दे रहे हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर क्या रहा है, क्योंकि हमारा पहले से ही रजिस्टर था। हम लॉग इन करेंगे, अब यहाँ लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको उसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सेकंड नंबर पे अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्च का बटन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है बर्थ रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे में सेकंड नंबर पे आ रहा है बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है बालक का नाम, मतलब बच्चे का नाम, तो यहाँ पे बच्चे का नाम हम दे दे रहे हैं। नीचे में उसका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे वो लड़का है कि लड़की, बालक है या बालिका, तो बालक है तो हम डाल दे रहे हैं, आप जो भी डाल रहे हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे उसके फादर का नाम, अब यहाँ पे ये आप चाहे तो समग्र आईडी होगा तो आपके पिता के पास, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे माता का नाम, उसके बाद यहाँ पे आपका अधिकार क्षेत्र, तो यहाँ पे म्यूनसिपालिटी से बनेगा। फिर यहाँ पे नगर पालिका चुन लीजिएगा, तो हम अपना चुन ले रहे हैं। अब वो चुनने के बाद अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है जन्म का स्थान, मतलब वहाँ पर उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में या घर पे, तो उसका हॉस्पिटल पे हुआ था। हम घर पे मार दे रहे हैं क्योंकि उसका घर पे हुआ था। अब यहाँ पे आपका घर का एड्रेस दे दे रहे हैं, यहाँ पे उसका जो रास्ता है उसका नाम, फिर इस नीचे भी मार्ग टू। उसके बाद यहाँ पे सारा अपन डिस्ट्रिक्ट जिला चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे पिन कोड मांगा जाएगा, तो पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद अभी हमें पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है, तो हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे नीचे पिन कोड अपना चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे ऊपर अब यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है, कौन आवेदन यहाँ पे दे रहा है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा।
तो यहाँ पे आप, हम तो कहेंगे यहाँ पे बच्चे का ही नाम डाल दीजिएगा, तो हम फिर से डाल दे रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे उसके पिता का नाम, उसके मतलब यहाँ पे आवेदक का बालक या बालिका से संबंध, तो जैसे ही जो भी आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे शैलेंद्र सिंह यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए उनके बच्चे, तो यहाँ पे फादर। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का एड्रेस मतलब बच्चे के पिता का यहाँ पे पूरा एड्रेस, ऊपर वाले में एड्रेस, नीचे वाले में यहाँ पे रास्ता स्ट्रीट, थर्ड नंबर में वार्ड नंबर, फिर यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड डालकर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस मतलब किस ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफिस का नाम डालेंगे। यहाँ पे हमारा लोकेशन चुनने को बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, ये डालने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि ऐसा है। और फिर प्रीव्यू दिखाने के बाद जब आप सेव करेंगे तो उनका बच्चे का यहाँ पे जो कि जो हॉस्पिटल से कागज़ मिला होगा वो अपलोड करेंगे, और फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको रिसीविंग मिल जाएगा, वो रिसीविंग रहकर रहेगा। उसके बाद 13 दिन बाद, जैसे आज अप्लाई किए तो उसके 13 दिन बाद आपके ईमेल या आपको कॉल आ जाएगा कि हाँ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है।